Four kinds of reform industrial sector reform, financial sector reform, tax reform, which we have covered in cover GST, and then foreign exchange reform. Moving on to the last reform, which is trade and investment policy reform. ट्रेड मतलब किस तरीके से ट्रेड होगा कितनी फ्रीडम रहेगी क्या मोनोपोली रहेगी कौन से सेक्टर मिलेंगे वो सब हो गया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म में क्या आएगा मेजॉरिटी हम यहाँ पे बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए कितना हो सकता है क्या परसेंटेज हो सकते हैं ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सो मूविंग ऑन बिफोर नाइनटीन नाइनटी वन अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन दैट इज़ हाई कोटाज एंड टैरिफ्स वर इम्पोज ऑन इम्पोर्ट्स टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज दट मीन्स इसके पहले हमने देखा था चैप्टर नंबर टू में कि गवर्नमेंट ने टैरिफ और कोटा इम्पोज़ किए थे टैरिफ मतलब क्या था ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी और कोटा मतलब क्या था एक स्पेसिफिक लिमिट थी कि इससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट्स नहीं कर सकते हो तो ये दोनों चीज़ें बहुत हाई थी however this protection reduced the efficiency and competitiveness of domestic industries and led to their slow growth so the reforms in the trade and investment policy were initiated of course government kya thi? we were trying to protect the domestic industries the indigenous industries from the foreign market ठीक है कि बाहर से कंपटीशन नहीं है अंदर ग्रोथ हो पर ग्रोथ के चक्कर में क्या हुआ एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई क्वालिटी रिड्यूस हो गई तो अब क्या हो रहा है कि अब हमने अपने रिफॉर्म्स में कुछ इनिशिएट किया है हम कुछ रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं

प्लस उनकी टेक्नोलॉजी बहुत चीजें जो हैं जो उनके पास भी अच्छी हो सकती है जरूरी नहीं इंडिया में सब कुछ अवेलेबल हो तो उनका टेक्नोलॉजी भी एक्सेप्ट करना प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक्सेप्ट करना टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज द इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड वॉट डू दे इंक्लूड दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड द फर्स्ट वन इज़ रिमूवल ऑफ क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या नंबर कोई स्पेसिफिक लिमिट थी कि एक बार में दस यूनिट ही इम्पोर्ट होंगे एक बार में इतने यूनिट ही एक्सपोर्ट होंगे तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे जो भी क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए दैट इज़ अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर ग्रेटली रिड्यूस्ड अगर पहले था कि आप एक बारी में टेन यूनिट्स एक बार में अगर आप लेट से टेन यूनिट्स मंगवा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया दैट मीन्स या तो हटा ही दिया है तो रिड्यूस तो कर दिया वो नंबर ठीक है नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वर फुल्ली रिमूव्ड फ्रॉम अप्रैल 2001. थाउजेंड मींस क्या बोला जा रहा है कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चरल गुड्स ठीक है एग्रीकल्चरल oh, प्रोडक्ट्स उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कंप्लीटली मेजरली उनके इम्पोर्ट्स पर कंप्लीटली रिमूवल हो गया था किसका क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का हटा ही दिए थे क्या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितना चाहो उतना इम्पोर्ट आप कर सकते हो इन द योर अप्रिल टू थाउजेंड वन रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट करने में भी ड्यूटी तो भी पैसा लग रहा है ठीक है अब एक्सपोर्ट ड्यूटी गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट अगर मैं यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस करती हूँ और मुझसे कोई बाहर की कंट्री या बाहर की इकोनॉमी गुड्स मांग रही है और उसमें मुझे ड्यूटी पे करनी पड़ रही है तो मैं क्या सोचूंगी भाई पैसे बचाओ विद इन द कंट्री सेल करो राइट पर उससे क्या होगा एक्सपोर्ट सेक्टर हमारा वीक हो जाएगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया रिमूव किया ताकि इंडियन गुड्स भी फॉरेन मार्केट में जाए अगर फॉरेन गुड्स इंडियन मार्केट में आ रहे हैं हम कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ा रहे हैं तो लेट द इंडियन गुड्स आल्सो गो टू द फॉरेन मार्केट्स वहां पे जाने चाहिए नेक्स्ट इज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज मतलब क्या इम्पोर्ट मतलब अगर हम कुछ मंगवा रहे हैं बाहर कंट्री से तो Now import duties were considerably reduced, which improved the competitiveness of domestic industries as it enabled them to import import raw material at the better prices. इट means क्या बोला जा रहा है? अगर हमारी uh, economy में किसी industry को raw material चाहिए या कोई goods चाहिए जो हमें import करने पड़ रहे जो चीज़ अगर इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो वो चीज़ ईजिली अवेलेबल हो पाए ठीक है बेटर प्राइजेस पे मिल पाए क्योंकि अगर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी तो हमें कॉस्टली पड़ेगा स्पेशली अगर आप रॉ मटेरियल मंगवाते हो बाहर से और उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हो ठीक है तो आपको वो मटेरियल बहुत महंगा पड़ता है तो उसकी वजह से क्या होगा जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे इंडिया के अंदर वो भी कॉस्टली हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इम्पोर्ट ड्यूटी भी रिड्यूस कर दी रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम लाइसेंसिंग सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हुई थी इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वॉज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हजारडिस एंड एनवामेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के लिए ये हटा दिया गया था एबॉलिश मतलब रिमूव कर दिया ठीक है अब लाइसेंसिंग नहीं चाहिए दैट इज दिस इनक्रेज द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू इम्पार्ट रॉ मटीरियल एट बेटर प्राइजेस विच रेस्ट देयर एफिशेंसी एंड मेड देम मोर कॉम्पटेटिव तो इससे क्या हुआ हम रॉ मटेरियल आराम से इम्पोर्ट कर पाते थे और हम बेटर प्रोडक्शन करते थे अब हमें उतना कॉस्टली भी नहीं पड़ रहा क्योंकि हमें इम्पोर्ट ड्यूटी भी नहीं पे करनी लाइसेंसिंग का सिस्टम भी हट गया तो उससे क्या होता है हम बेटर गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे एंड हम ज़्यादा कॉम्पटेटिवनेस दिखा पा रहे इकोनॉमी में Another important feature of the new economic policy was the promotion of policy of प्राइवेटाइजेशन So till now हमने सिर्फ first topic ही cover किया लिब्रलाइजेशन जितने भी आपने रिफॉर्म्स पढ़े ये सारे रिफॉर्म्स किस में थे पहले लिब्रलाइजेशन में थे अभी तक हमने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट नहीं किया है नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन लेट इज़ मूव ऑन टू दैट